आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है। और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए है। इस बात से ही आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अ वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे TV शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टारकास्ट के अंदर
सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रिजेंद्र काला, संदीप नहार। इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे। राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है, जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
200 करोड़ का हुआ था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, यह मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किए गए हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है, क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था।
जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अ वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे TV शोज उन्होंने बनाए हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकानी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय, और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।
आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अ वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टारकास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टारकास्ट के अंदर
सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रिजेंद्र काला, संदीप नहार। इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे। राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है, जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुनने चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
200 करोड़ का हुआ था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अ वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, यह मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किए गए हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है, क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था।
जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अ वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे TV शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकानी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय, और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।
आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अ वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, यह मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत, जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे,
इसके अलावा कैरा अदवानी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रिजेंद्र काला, संदीप नहार। इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे। राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है, जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुनने चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था। जो कि दोस्तों, ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी
ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, यह मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमन मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किए गए हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना
पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें यह मूवी देखनी है तो कहां पर यह मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए है। इस बात से ही आप यह अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे TV शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकानी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है, क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।
आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 आउट ऑफ 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए है। इस बात से ही आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अ वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे TV शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत, जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे,
इसके अलावा कैरा अदवानी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार। इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे। राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है, जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था। जो कि दोस्तों, ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी
ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, यह मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किए गए हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना
पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें यह मूवी देखनी है तो कहाँ पर यह मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अ वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे TV शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है, क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।
आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 आउट ऑफ 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अ वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत, जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे,
इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार। इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे। राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है, जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था। जो कि दोस्तों, ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी
ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, यह मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किए गए हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है, क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर YouTube के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना
पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें यह मूवी देखनी है तो कहां पर यह मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है और उनकी मूवीज दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अ वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे TV शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है, क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।
आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए है। इस बात से ही आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे TV शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत, जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे,
इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार। इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे। राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है, जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था। जो कि दोस्तों, ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी
ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अ वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, यह मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किए गए हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर YouTube के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना
पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है और उनकी मूवीज दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अ वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे TV शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है, क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।
आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत, जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे,
इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार। इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे। राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है, जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी
ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अ वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, यह मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किए गए हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना
पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है और उनकी मूवीज दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अवेनजडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे TV शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है, क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।
आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है, ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था, और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में, तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, यह मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत, जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे,
इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार। इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे। राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है, जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है, जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है। क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है, तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है, और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था, और ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी
ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए हैं। इस बात से ही आप यह अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है, और उनकी मूवीज़ दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अ वेनसडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे टीवी शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, यह मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमन मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आज यहाँ पर हम बॉलीवुड की एक और कमाल की धमाकेदार मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी मूवीज़ देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे इस मूवी का नाम है MS धोनी। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर यूट्यूब के ऊपर देखना चाहते हो और ये मूवी आपको नहीं मिल रही है तो भाई साहब हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि ये जो मूवी है वो हिंदी भाषा के अंदर आप सभी लोग कहाँ पर से देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। इस मूवी को देखने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप लोग भी MS धोनी के फ़ैन हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने इस मूवी के बारे में आप सभी को कंप्लीट जानकारी दी हुई है। साथ में इस मूवी के बारे में कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं जो आप सभी को एक बार ज़रूर सुननी चाहिए, और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपको इस मूवी के बारे में जो फैक्ट्स है वो ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इस कमाल की और दिल को छू लेने वाली कहानी के बारे में। तो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, इस मूवी को 2016 में रिलीज़ किया गया था, जो कि दोस्तों ये जो मूवी है वो सत्य घटना
पे आधारित थी। इसके अलावा इस मूवी के अंदर स्पॉट और ड्रामा देखने को मिलता है। और आप सभी लोग जानते ही होंगे कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि हमें ये मूवी देखनी है तो कहाँ पर ये मूवी हिंदी भाषा के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस मूवी को हिंदी भाषा के अंदर वो भी एकदम फ्री में देखना चाहते हो तो ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप लोग इस मूवी को डिज्नी प्लस पर जाकर देख सकते हैं, वो भी एकदम फ्री में। जी हाँ दोस्तों, आपको इस मूवी को देखने के लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इस मूवी को एकदम फ्री में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हैं। पहले हमें इस मूवी को देखने के लिए पैसे देने पड़ते थे, बट बाद में जो डिज्नी प्लस है उन्होंने इस मूवी को एकदम फ्री में कर दिया है ताकि हर कोई इस कमाल की मूवी को देख सके। बाकी ये मूवी यूट्यूब पर भी आपको मिलेंगी, बट यूट्यूब पर इस मूवी को देखने के लिए लगभग 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपकी चॉइस है कि आपको इस मूवी को फ्री में देखना है या फिर 50 रुपये दे के देखना है। और आपको ये मूवी हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, तो आप लोग इस मूवी को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इस मूवी का जो बजट था वो 100 करोड़ का था और इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 200 करोड़ का हुआ था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। अगर हम बात करें मूवी की रेटिंग के बारे में तो जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को 10 out of 8 की कमाल की रेटिंग मिली हुई है। इसके अलावा जो रॉटेन टोमेटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 70% लोगों ने लाइक्स दिए थे और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी इस मूवी को 90% लोगों ने लाइक्स दिए है। इस बात से ही आप यह अंदाज़ लगा सकते हैं कि मूवी कितनी कमाल की होगी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था नीरज पांडे ने, जिनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। इन्होंने दोस्तों बॉलीवुड के अंदर काफ़ी कमाल की मूवीज़ बनाई हुई है जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई है और उनकी मूवीज दोस्तों काफ़ी कमाल की होती है, क्योंकि इन्होंने बेबी, अय्यारी, अवेनजडे, इसके अलावा स्पेशल 26, खाकी द बिहार चैप्टर, इसके अलावा भी बहुत सारे TV शोज उन्होंने बनाई हैं जो कि काफ़ी कमाल के हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग इस मूवी को नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ये मूवी आप सभी को सच में पसंद आई। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा और कहानी किस तरह की है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो मूवी है वो MS धोनी की रियल लाइफ के ऊपर बनाई गई है। इस मूवी के अंदर कमाल का म्यूजिक अरमान मलिक का है। इस मूवी के स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो इस मूवी के स्टार कास्ट के अंदर सुशांत सिंह राजपूत जो कि यहाँ पर MS धोनी के रोल में देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कैरा अडवाणी, दिशा पटानी, अनुपम खेर, भूमिका चावला, हैरी टंगारी, कुमुद मिश्रा, राजेश शर्मा, दीपक दत्ता, रविंद्र मनकारी, क्रांति प्रकाश, काली प्रसाद, किरण मोरे, ब्रजेंद्र काला, संदीप नहार, इसके अलावा आमिर खान भी इस मूवी के अंदर एक छोटे से रोल में देखने को मिलेंगे, राजेंद्र चावला, जितिन गुलाटी, मिथुन चक्रवर्ती, इसके अलावा सविन खेरा, संजय और भी यहां पर ढेर सारे कास्ट इस मूवी के अंदर शामिल किया गया है जिनकी एक्टिंग काफ़ी कमाल की है जो आपको बेहद ही पसंद आएगी। अब बात करते हैं कि मूवी की कहानी किस बेस पर है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि MS धोनी की यहाँ पर रियल लाइफ कहानी आपको दिखाई गई है कि वो कैसे जीरो से हीरो बने और वो कैसे क्रिकेट में आगे बढ़े थे और कैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था, वो सब कुछ इस मूवी के अंदर बहुत ही बारीकी से दिखाया गया है, क्योंकि उनका जीरो से हीरो बनने का जो पूरा ट्रैवल है वो इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हैं तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिए, मूवी आपको पसंद ज़रूर आएंगी। जो कि दोस्तों, इस मूवी का रन टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लगभग 3 घंटे की मूवी है, पर मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आपके 3 घंटे कैसे जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक कमाल की मूवी को देखना चाहते हो तो इस मूवी को दोस्तों मिस मत करना, इस मूवी को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा।